राज्य माथाड़ी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार यूनियन के संस्थापक स्वर्गीय विधायक अन्ना साहेब पाटिल के 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में तुरबे स्थित कांदा बटाटा मार्केट सभागृह में स्वर्गीय अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल के माध्यम से भव्य माथाड़ी कामगार मेड़ावे का आयोजन किया गया, जहाँ इस मेड़ावे में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही उपस्थित थे अरोली के विधायक गणेश नायक, विधायक शिवेंद्र राजे भोसले, विधायक मंदा मात्रे, विधायक प्रवीण दरेकर, एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे, निरंजन डाउखरे, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक, पूर्व विधायक भाजपा नवी मुंबई जिलाध्यक्ष संदीप नायक, पूर्व महापौर सागर नायक, ठाणे जिलाधिकारी अशोक शिंगारे, नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों गुणवंत माथाड़ी कामगारों को माथाड़ी भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मेड़ावे का जोश और उत्साह देखने योग्य रहा। न भूतो न भविष्य, इस कामगार मेड़ावे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीछे माथाड़ी कामगारों की एक मजबूत ताकत खुलकर दिखाई दे रही थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माथाड़ी कामगारों के कानून में बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि माथाड़ी कामगारों के हर प्रश्नों के न्याय हक की जंग में वह उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।